कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ आंदोलन करने जा रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार ने फांसी और फास्टैग जैसी बात कही, लेकिन फिर भी बहन बेटियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हम बेटियों को लेकर बेटी बचाओ अभियान करने जा रहे हैं। 4 साल पहले 19,000 प्रकरण थे बेटियों के साथ दुष्कर्म, अनाचार, बलात्कार जैसी घटनाओं के, अब ये बढ़कर 40,000 हो गए। सरकार का खौफ खत्म हो गया है, सरकार से अब कोई अपेक्षा नहीं है। 4 साल पहले 19,000 प्रकरण बनते थे मध्य प्रदेश में बेटियों के इस तरह के अनाचार, अत्याचार और बलात्कार। इस पिछले साल दर साल ये 38,000 से ऊपर 40,000 के आसपास इस बार हो गए हैं, यानी सीधा डबल। यानी सरकार का खौफ खत्म हो गया, कानून की भावना, हम फांसी लगा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा देंगे, कैसी कैसी बातें शिवराज जी और उनकी सरकार ने की थी, जग जाहिर है। मैं मानता हूँ सरकार से अब अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका दायित्व सरकार के को आईना दिखाने के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी। हम आने वाले समय में बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी, जिसकी विस्तृत रूपरेखा हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।